मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव क्षेत्र में आने वाले अशोकनगर में नई राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। यहां भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है और क्षेत्र के कद्दावर बीजेपी नेता स्वर्गीय देशराज यादव के पुत्र यादवेंद्र यादव ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। बुधवार को सैकड़ों समर्थकों के साथ भोपाल पहुंचे यादवेंद्र यादव को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने सदस्यता दिलाई। सदस्यता ग्रहण करने के बाद यादवेंद्र यादव ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद से बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, इसके चलते ही वे कांग्रेस में शामिल हुए हैं। गौरतलब है कि यादवेंद्र के पिता देशराज यादव 3 बार बीजेपी के विधायक रहे हैं और बीजेपी ने 2 बार उन्हें कांग्रेस में रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ अशोकनगर में नहीं लेकिन संभाग और सारे संभाग में एक नया और उत्साह उमंग का वातावरण निर्मित हुआ है। पिता राव मिश्रा सिंह जी मैं कांग्रेस था और वो भाजपा में थे। चलो उसका लेकिन हमारे उनके परिवार में कभी सफलता नहीं रही। राव ज्योतिराज सिंह जी के पूरे परिवार के जितने भी बाध्यता रिश्तेदार थे वो सब कुछ थे। राहुल का विधानसभा सीट पर भी हम लोग बैठे हुए वो लोग बातचीत करेंगे कि वहां पर वो राव ज्योतिराज सिंह जी के साथ जो राहुल गांधी वो लोग हमारे साथ हमेशा से एक सद्भाव का भाव रखा और मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि आज देशराज सिंह जी का परिवार जब भी चुनाव नजदीक होता है, अब 6-7 महीने बचे हैं चुनाव में, शिवराज सिंह जी को घोषणाओं का नशा आता है और ये सोचते हैं कि इन घोषणाओं से मध्य प्रदेश की साधारण सरल स्वभाव की जनता को वे गुमराह कर पाएंगे और घोषणाएं और तरह तरह के प्रलोभन देना हर शासकीय क्षेत्र हो, नौजवानों के लिए हो, पर ये 18 साल में जिस तरह इन्होंने धोखा दिया है, जिस तरह ये 18 साल का जवाब नहीं दे पा रहे, विकास यात्रा निकाली थी 160 विधानसभा सीटों में, उस विकास यात्रा का विरोध हुआ और छिंदवाड़ा आते तो कहते हैं मैं कमलनाथ की राजनीति को, कमलनाथ के भविष्य को गाड़ दूंगा, कहते हैं मैं कमलनाथ का अंत करूंगा। मैं ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करता। मैंने तो कहा कि गाड़ने की बात करते हैं, हाँ मैं भी गाड़ूंगा, मैं बेरोजगारी को गाड़ूंगा, मैं महिलाओं के अत्याचारों को गाड़ूंगा, मैं भ्रष्टाचार को गाड़ूंगा। ये जो राजनीतिक स्तर में ये आ रहे हैं, बड़ी दुख की बात है कि जो इतने वरिष्ठ मुख्यमंत्री हैं, 18 साल या लगभग 18 साल मुख्यमंत्री रहे। मैंने तो कहा ये जो महिलाओं, इनको आप बहनें याद आई हैं, पहले ये मामा बनते थे, किसान के बेटे बनते थे, किसान के बेटे जब बने सबसे ज्यादा आत्महत्या देश भर में मध्य प्रदेश में हुई, मामा बनते थे सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं पर हुआ, हमारे आदिवासियों पर हुआ, ये हमारे केंद्र के जो आंकड़े हैं मैं उस आधार पर ये कह रहा हूं। मैंने कहा है कि जहां तक बहनों का प्रश्न है, हम बहनों को 1500 रुपये हर महीने देंगे और जहां गैस सिलेंडर की बात है, मैं उस दिन नरसिंहपुर में था, सबने मांग उठाई, जो ये मांग उठाई कि 500 रुपये में हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, बीजेपी बौखलाई हुई है, कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री तक ये बौखलाए हुए हैं, इनके विधायक बौखलाए हुए हैं क्योंकि ये जनता का चेहरा देख के, आज जनता का चेहरा देख के जहाँ हर वर्ग मध्य प्रदेश का परेशान है, ये
ये फैसला मध्य प्रदेश का 6-7 महीनों में होने वाला है। मैं संतुष्ट हूँ मध्य प्रदेश के मतदाताओं से कि ये मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखेंगे, सच्चाई का साथ देंगे। आज प्रश्न पार्टी या उम्मीदवार का नहीं है, आज प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के मतदाताओं को ये तय करना है कि कौन से पटरी पर वो मध्य प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। तो ये खुशी की बात है। मैं कल छिंदवाड़ा में था, भूतपूर्व विधायक के लड़के ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस, बड़े नेता ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी से कांग्रेस में, और ये सोचते हैं ये नाटक से कोई दिखावे से कि कार्यक्रम करो और दिखाओ, सड़क से पकड़ लो 10 लड़के और कहो कि ये कांग्रेस ये भी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। ये सब नाटक अब नहीं चलने वाला। हमारे आज बड़ी खुशी का दिन है कि राव यादवेंद्र यादव, जिनके पिताजी देशराज यादव 3 दफे के विधायक थे मंगौली से, ये आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ये मेरे साथ ही बैठे हैं, ये खुद बताएंगे किस कारण ये कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं, और ये खुद भी जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, मैंने 3 दफे और इन्होंने तय किया, अपने मन से तय किया, इनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, इनको कोई प्रलोभन हमने नहीं दिया है, इन्होंने अपने मन से तय किया कि मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए मैं कांग्रेस में शामिल हूंगा। आइए यादवेंद्र सिंह आप बोलिए। मेरा परिवार, मेरे पिताजी जनसंघ के टाइम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे, और उन्होंने बड़े छोटे स्तर से भारतीय जनता पार्टी को जब गुना जिला हुआ करता था खड़ी करने में बड़ी मेहनत की, वो जिलाध्यक्ष भी रहे और संगठन में कई पदों पर रहे, और बड़ा संघर्ष करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दोनों जिलों में खड़ा किया, और वो 3 बार विधायक भी रहे हमारे परिवार से। मेरी माताजी जिला पंचायत में अध्यक्ष भी रहीं, अभी वर्तमान में मैं मेरी पत्नी और मेरी माँ जिला पंचायत के सदस्य हैं, और हमारा जो परिवार रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सेवा की हमारे परिवार ने। परंतु 3 वर्ष लगभग जब से श्री सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में है, तब से हमारे जो जिला था अशोकनगर, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता थे, जो निष्ठावान कार्यकर्ता थे, जिन्होंने अपना खून पसीना बहाकर भारतीय जनता पार्टी को आज इस मुकाम पर पहुंचाया था, कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ उपेक्षा होने लगी, दोयम दर्जे का व्यवहार होने लगा, भेदभाव होने लगा, और दिनों दिन भ्रष्टाचार बढ़ता गया। स्थिति ये हो गई अशोकनगर में कि 5-5, 6-6 किलोमीटर, 7-7 किलोमीटर शहर से बाहर जो अनुसूचित जाति के व्यक्तियों, हरिजन आदिवासियों एवं अन्य लोगों की जमीनें थी, वो जमीनें नहीं बची, या तो छुड़ा ली गई या किसी न किसी तरीके से उन पर कब्जे कर लिए गए। बड़ी बड़ी कॉलोनियां हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो काट रहे हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा कोई कॉलोनी कटती है तो वो बीघा में होती है, एकड़ में होती है, 2-5 किलोमीटर में। आपने शायद पहली बार सुना होगा अशोकनगर में 1.5-2 किलोमीटर की कॉलोनी माननीयों के द्वारा काटी जा रही है। इतना भ्रष्टाचार, जिनके पास आज से 5 साल पहले जो चुनाव हुआ था उस टाइम चुनाव के लिए मतलब स्थिति खराब थी, पैसा नहीं था, आज वो 1-1,000 500 करोड़ रुपए के मालिक हो, मुर्मे नहीं बच रही, राशन नहीं बच रहा, और तमाम प्रकार का जो भ्रष्टाचार है वो लगातार चल रहा है। इस स्थिति से हम व्यथित हो गए बहुत ज्यादा, और कहीं ना कहीं हमारे जो कार्यकर्ता थे, जो हमसे जुड़े हुए लोग थे, उन्हें कहीं ना कहीं केसबाजी में या किसी न किसी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा था लगातार। जब मैं बहुत दुखी हुआ, लगातार अंदर से घुट रहा था 3 साल से, जब मैंने क्षेत्र में जनता से बात की, हमारे कार्यकर्ताओं से बात की कि भाई अब क्या करना चाहिए, तो सभी की एक ही आवाज थी कि भैया आप तो एक काम करते हैं, अब सब लोग मिलकर अपन कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। तब जाकर हमने विचार किया कि हम कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। बीजेपी में थे।